आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हम सबके प्राणदाता राष्ट्र हित चिंतक संत शिरोमणि परम पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक संलेखना पूर्वक बुद्धि पूर्वक धारण की थी और पूर्ण जागृत अवस्था में उन्होंने आचार पद का त्याग 3 दिन के उपवास के ग्रहण के साथ कर दिया था एवं संघ का प्रत्याख्यान कर दिया था और आगे की सब बातें ब्रह्मचारी भैया सब बताएंगे, सब विधिवत तरीके से होगा। और 6 फरवरी को मंगलवार को दोपहर 2 बजे शौच से लौटने के उपरांत मुनिराजों को अलग भेजकर सभी मुनिराजों के समक्ष निर्यापक समर्ण मुनि श्री योग सागर जी से चर्चा करते हुए संघ संवृत्ति कार्य का भी उन्होंने आदेश दे चुके थे और आचार पद का त्याग भी कर दिया था। उन्होंने आचार पद के प्रथम योग प्रथम मुनि शिष्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को योग के समझा और तभी उन्हें आचार पद से सुशोभित कर दिया जाए ऐसी घोषणा कर दी थी, जिसकी विधिवत जानकारी प्रतिष्ठाचार महोदय द्वारा विनय भैया द्वारा कल दी जाएगी। गुरुवार को श्री जी का डोला चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ से 1 बजे निकाला जाएगा एवं चंद्रगिरी तीर्थ पर परिक्रमा देते हुए पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। संलेखना के अंतिम समय पर पूरे भारत भर के श्रावक श्रेष्ठी अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल किशनगढ़, राजा भाई सूरत, प्रभात जी मुंबई, अतुल शाह जी पुणे, विनोद जी बड़जात्या, किशोर जी डोंगरगढ़, सभी लोग उपस्थित रहे। मैं इस बात को प्रतिष्ठाचार ब्रह्मचारी विनय भैया के इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं।